लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलेंस के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। अस्सलामुअलैकुम, ग्रेट न्यूज के साथ मैं हूं असद इम्तियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा, आर्मी चीफ की यादगार शोधा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफसरों से खिताब, कमांडर्स हर सतह पर आला पेशावराना मयार के हसूल पर तवज्जो मरकूज रखें। वज़ीरे आज़म इमरान खान से सिंसे ताल्लुक़ रखने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान की मुलाकात। मुलाकात में वज़ीरे ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर रुकन कौमी असम्बली, गौस बख्श मेयर रुकन सूबाई असम्बली अली गौर मेयर और सफदर अब्बासी शरीक। सिंध के अलावा बाकी सूबों में 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुले रहेंगे, इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वज़ीरे तालीम सिंध हालात का जायज़ा लेकर तालीमी इदारों को खोलने का फैसला करेंगे। मुल्क भर के जामियात में तुलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन 31 अगस्त तक लाजमी करार दे दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद के असर से वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में कबायली अजलास से मुतालिक अमूर और किसानों को दरपेश मसाइल पर भी गुफ्तगू। स्पीकर असद के असर ने कहा, किसी सूरत किसानों का इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तंबाकू की ख़रीदारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि साबका फाटा के तमाम अजला की तरक्की आवाम की महरूमियाँ ख़त्म करना तरजीह है। वज़ीर इत्तला'आत फवाद हुसैन चौधरी की केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफद से मुलाकात। केबल ऑपरेटर्स के लिए नेशनल डिजिटल केबल पॉलिसी 2021 की मंजूरी। नेशनल डिजिटल केबल पॉलिसी के तहत केबल ऑपरेटर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल का आगाज़। वज़ीर आज़म का लाखों ख़ानदानों को गुरबत से निकालने का मंसूबा, हुकूमत का कामयाब पाकिस्तान मंसूबा 9 अगस्त को लॉन्च करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराई में अहम मुशावरती इजलास, सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम, उस्मान डार और वज़ारत आला के कई हुकाम शरीक होंगे। यहाँ न्याजी कैसे आ गया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कम्पेन के दौरान नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क्यूम न्याजी से मुतालिक क्या कहा था, देखिए। अब्दुल क्यूम न्याजी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम न्याजी सारी जगह फैल गए हैं। मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा हुए तो बीवी ने नाम बदल कर गुलनाज से सोनिया रख लिया और दूसरी बीवी ने अपना नाम तब्दील करके शौहर के ख़िलाफ़ रेप का मुकदमा करा दिया। रावलपिंडी में एशिया के सबसे बड़े आँखों के अस्पताल का क़याम। DHA इंतज़ामिया ने शाहिद आफरीदी के घर से जानवरों को निकाल दिया। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का आवाम के लिए करोना वबा से एहतियात का पैगाम, हम दोनों की उम्र 60 साल से ज़ायद थी, हमने हर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, जैसे अवामी मकामात पर मास्क पहनना, फिर भी ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने वाले डेल्टा वायरस का शिकार हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात का रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर, पाबंदियाँ उठा ली गई। पंजाब पुलिस की एक और कामयाबी, लाहौर से चार रोज़ कबल चार लड़कियों के लापता होने का मामला बिल आखिर हल हो गया। लापता चार बच्चियां साहिवाल से मिल गई, बच्ची अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। साहिवाल का फ्रॉडिया, शादियां करके ससुरालियों को लूटने का मायर निकला, 15वीं शादी ने भांडा फोड़ दिया, कई लड़कियों की जिंदगियाँ तबाह कर दी। इस्लामाबाद में कायदे आज़म की यादगार के सामने नेम बराना फोटोशूट करने वाले जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फाइजल ब्यूटी क्रीम जिल्द को अंदर से नरम और रोशन करे, जैसे रोज एक बहार आई हो।